हमारे यहां शिक्षा इसकी व्यवस्था सुधारने का काम ये हमने करना शुरू किया है। पिछले 6 साल से जब से हमने सत्ता संभाली तो मैं ध्यान में आया कि शिक्षा में हमारा जो युवा है वो थोड़ा पिछड़ रहा है, और पिछड़ता भी क्यों नहीं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर उसका विश्वास उठने लग गया था, शिक्षा का उपयोग नहीं होता था। हमने सबसे पहले ये कहा कि जो शिक्षित है, जो टैलेंटेड है, उसका महत्व तो बढ़ना चाहिए, और खास करके जैसा हम देखते हैं शिक्षा में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरियों का जो विषय होता था, तो यह भ्रष्टाचार से ओतप्रोत सिस्टम, भाई भतीजावाद से ओतप्रोत सिस्टम, जिसमें से लोगों को नौकरियां यानी खरीदनी पड़ती थी, नौजवानों को नौकरियां बिकती थी, हमने उसको आमूलचूल परिवर्तन किया। नौकरी मेरिट पर मिलनी चाहिए, आखिर मेरिट पर मिलेगी तो उसके बहुत लाभ है। एक तो शिक्षा पर युवा का विश्वास बढ़ेगा, वातावरण अच्छा होगा, समाज शिक्षित बनेगा। दूसरे, जो शिक्षित युवा सरकारी काम में आगे आएगा, वो जिस काम के लिए आगे आ रहा है, सेवा करने के लिए आ रहा है, तो वो जनता को सेवा भी ठीक से दे पाएगा। पढ़ा लिखा टैलेंटेड युवक होगा तो उसको जनता का लाभ होता है, जनता के लिए तो आप हम काम करते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के लाभ हमको निश्चित रूप से हुए हैं। हमने पुलिस की भर्ती में भी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये अपनाई, चाहे वो ग्रुप डी की भर्तियां थी, चाहे वो क्लरिकल भर्तियां थी, जेईस थे, किसी भी लेवल की ग्रुप सी की भर्तियां, डी की भर्तियां, और इवन एचपीएससी, यहां भी थोड़ा जो चीजें सुनने को मिलती थी, हम और आप लोग हैरान होते हैं कि जो अफसर रैंक के लोग भी भर्ती किए जाते थे, करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर भर्ती किए जाते थे, उसके अंदर बहुत प्रेशर हमको करना पड़ा। बहुत से मैं कहता हूं अपने लोग जिनको हम कहते हैं वो भी परेशान होने लगे, वो कहते हम तो सत्ता के नजदीक है, हमारा अधिकार पहले बनता है। हमारा कहना है नहीं, अधिकार जो योग्य है उसका पहले बनता है, उसको नौकरी मिलेगी तो उसका लाभ होगा। तो ये एक चीज हमने इसको ठीक किया। सरकारी कर्मचारियों में बहुत से ट्रांसफर्स को लेकर के उद्योग धंधा चलता था, एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई। सामाजिक तौर पर कई प्रकार के ऐसे जो कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, उनको ठीक करने का हमने काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बड़ा अभियान लेना पड़ा हमको, जो जेंडर रेशियो 850 और 60 के बीच में मासिक चलती रहती थी, वो आज 920 और 930 के बीच में जेंडर रेशियो आ गई है। तो इस प्रकार का सामाजिक संतुलन ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा एक अभिशाप था प्रदेश को, हमने उसको भी ठीक करने की कोशिश की है।